नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे और अपने अपने कामों में बहुत अच्छी तरीके से बिजी होंगे। दोस्तों अभी सितंबर महीना चल रहा है और बारिश हर रोज हो रहा था, लेकिन अभी देखिए धूप बहुत ही अच्छा निकला है आज। मतलब एक्चुअली कल से ही धूप अच्छा निकला है, कल भी बारिश नहीं हुई थी और आज भी बारिश नहीं हुआ है। तो मैं दो दिन से प्लांट्स में पानी नहीं दिया था तो मेरा सभी प्लांट्स थोड़ा मुरझा गया था। तो मैं सुबह उठ के जब देखा मेरे प्लांट्स का हालत ठीक नहीं था, उस पर फ्लावरिंग भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था और प्लांट सभी मतलब नीचे की तरह झुक गए थे, मतलब सभी मुरझा गए थे। तो मैं अभी सभी प्लांट्स पे पानी दे दिया हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कांचन प्लांट के ऊपर। इसका इंग्लिश नेम मुझे क्या है पता नहीं है मुझे, इसका एक्चुअल नेम है कांचन। इसका जो लीव्स होता है वो देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखिए ऐसा मतलब हार्ट शेप जैसा। तो इसका ये मुझे मेरे पास दो प्लांट है कांचन प्लांट, ये देखिए ये है एक और ये है दो। दूसरे वाले का देखिए मैं दोनों को ही मैं प्लास्टिक के बस्ते पे लगा के रखा था क्योंकि ये प्लांट बहुत ही बड़ा होते हैं, लेकिन मेरे तो छत के ऊपर गार्डन है, मेरे पास उतना स्पेस है नहीं, इसलिए मैं दोनों प्लांट को ही प्लास्टिक के कैरी बैग पे लगा के रखा था। एक्चुअल बस्ता है ये प्लास्टिक का, तो एक का तो बस्ता सही है और दूसरे का जो दूसरा जो बस्ता है वो देखिए फट चुका है, उसमें मिट्टी भी थोड़ा कम था। लेकिन मेरा जो दो प्लांट है देखिए दोनों का ही ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और दोनों ही बहुत ही बड़ा है। इस प्लांट को अगर आप मिट्टी में लगाओगे मतलब ज़मीन में अगर लगाते हो तो प्लांट बहुत ही बड़ा हो जाता है, 6 से 8 फुट तक ये लंबा हो जाता है और इसका स्टेम बहुत ही हार्ड है, मतलब हार्ड स्टेम वाला प्लांट है। ये देखिए मेरा छोटे बस्ते पर लगा फिर भी देखिए इसका स्टेम कितना मोटा हो गया है देखिए। दोस्तों इसमें ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें देखिए फ्लावर आता है। मेरे प्लांट पे पानी ना होने के कारण मिट्टी पूरा सूख गया था, इसलिए देखिए लीव्स कैसे बंद हो जा गया है। इसका पैटर्न ही ऐसा है, ये जिसमें जब इसमें पानी नहीं होगा तो इसका जो लीव्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं, अगर जब पानी रहेगा तो लीव्स पूरा खुल जाते हैं, पूरा ऐसे पूरा खुल जाता है। दोस्तों फ्लावर वाले प्लांट है, इसमें देखिए व्हाइट कलर का फ्लावर लगते हैं और फ्लावर देखने में बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों ये गर्मी में होने वाले प्लांट, गर्मी में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट है, पूरा साल इसमें फ्लावरिंग नहीं होता है। इसका फ्लावरिंग सीजन है मार्च से लेकर अप टू अक्टूबर तक, नवंबर दिसंबर जनवरी में इसमें फ्लावरिंग नहीं होता है इस प्लांट्स में, उस टाइम इसका रेस्टिंग पीरियड होता है। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो प्लांट है मैं पूरे फुल धूप में है क्योंकि मेरा रूफटॉप गार्डन है, छत के ऊपर गार्डन है मेरा, फिर भी देखिए मेरा प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है एक बस्ते के अंदर। दोस्तों मैं अब बात करता हूँ इसमें इसके केयर के बारे में। दोस्तों लास्ट दो तीन महीने से मैं इसमें कोई भी खाद यूज़ नहीं किया हूँ, तो फिर भी देखिए इसका ग्रोथ अच्छा है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल इसमें खाद यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका फ्लावरिंग थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इसका जो फ्लावर होता है बहुत ही देखने में अच्छा होता है। दोस्तों ट्रॉपिकल प्लांट इसलिए गर्मी के मौसम में इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छा होता है और ठंड के मौसम में फ्लावरिंग होना बंद हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मैं जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया था इसके लिए उसके बारे में। मैं जब प्लांट लगाया था तब मैं जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया था वो है 50% मिट्टी, 30% सैंड और 20% भर्मी कंपोस्ट। भर्मी कंपोस्ट के बदले में आप काउडंग भी यूज़ करते हो। दोस्तों सेम मेथड मैं सभी प्लांट्स के लिए करता हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को एक बार फिर से बोल देता हूँ क्योंकि जो भी नए विजिटर्स हैं मेरे चैनल पर वो लोग के लिए आसानी होगा जानने में। महीने में एक बार कंपोस्ट का यूज़ कीजिए तो आपका प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। कंपोस्ट के लिए आप काउडंग या फिर भर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एनपीके 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों मैं एकदम आसान और इजी टू प्रोसेस बताता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग घर में बहुत ही ईजी ही प्लांट्स को ग्रो कर पाए। दोस्तों मैं किसी भी प्लांट्स में कोकोपीट यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये कोकोपीट बहुत ही कॉस्टली होता है, मैं उसी वो सब के बारे में बताता हूँ जो आपके पास बहुत ही ईजी मिल जाए और जो लो कॉस्ट हो, मतलब आपको ज़्यादा खर्चा ना करके आप कैसे प्लांट्स लगा सकते हो आपके गार्डन में। दोस्तों यही मैं बताता हूँ। तो क्योंकि ये बड़ा बहुत बड़ा प्लांट होता है इसलिए इसमें पानी हर रोज़ ज़रूरत होता है, एक दिन भी अगर पानी ना दो इसमें तो देखिए इसका प्लांट्स का जो लीव्स होता है कैसे बंद हो जाता है। जैसे कि कल मैं इसको पानी नहीं दिया था तो देखिए इसका जो लीव्स है वो देखिए बंद हो गया है, मतलब ऐसे बंद हो गया है देखिए। आप इसको स्टेम से भी ग्रो कर सकते हो, सीड से भी ग्रो कर सकते हो, स्टेम से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं तो एक बार कोशिश किया हूँ और मेरा स्टेम लग भी चुका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का पेस्ट का अटैक तो होता नहीं है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार पेस्टिसाइड इसमें यूज़ नहीं करता हूँ, अभी तक नहीं किया और कोई भी इंसेक्ट का अटैक भी नहीं हुआ है। फिर भी मैं दोस्तों सभी प्लांट्स में इस बरसात में सभी प्लांट्स में मैं नीम डस्ट का इस्तेमाल किया हूँ ताकि किसी प्रकार का चांस ना रहे प्लांट्स में इंसेक्ट अटैक करने का।
दोस्तों ये तो क्या पूरी जानकारी कांचन प्लांट के ऊपर, उसके फ्लावरिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स अगर करते हो तो भी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।